हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। और ये एक कहानी है जिसके लेखक है जिनेंद्र कुमार। इस कहानी में हमने माधवदास के बारे में पढ़ा और एक छोटी चिड़िया के बारे में पढ़ा था अब तक, जो गलती से उनके बगीचे में आ जाती है माधवदास की। और वो जो चिड़िया है वो माधवदास को इतनी पसंद आती है कि वो उसे अपने पास रखने के लिए उसे बहुत से लालच देते हैं, बहुत से प्रलोभन उसे देते हैं। अब देखते हैं आगे का भाग। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? तो सेठ उसे प्रलोभन देता है, वह मनाता है कि तू अगर यहाँ पे रुक जाएगी तो मैं तुझे बहुत ही मालामाल कर दूंगा। तो चिड़िया कहती है कि मालामाल होना क्या होता है, मैं इसे नहीं जानती। तब सेठ कहते हैं कि चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, यानी कि तुझ में अक्ल नहीं है, तू सोना नहीं जानती है। तेरे में बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि तू सोना जैसी जो कीमती वस्तु है उसे नहीं जानती है, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें सोने की तृष्णा है, यानी कि उन्हें सोने की इच्छा है प्राप्त करने की। तो जिस सोने को जो लोग हैं दुनिया भर के वो पाना चाहते हैं, वो मेरे पास बहुत सारा ढेर का ढेर यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है। उसी से मैं तुम्हारा पूरा घर यानी जो पिंजरा है जिसमें तुम रहोगी वो पूरा घर सोने का बनवा दूंगा, और ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में भी नहीं देखा होगा। और उस पूरे पिंजरे में, उस घर में, तू उसमें पिंजरे के में बंद रह के थिरकना फुदकना यानी उसमें घूमना पिंजरे में, और तुझे देखकर उस पिंजरे में घूमते फिरते देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो तू इस तरह घूम फिर कर मुझे खुश रखना और मैं तुझे खुश रखूँगा। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे जो खाना और दाना पानी की कटोरियाँ होगी वो भी सोने की होगी। चिड़िया को ये सब समझ में नहीं आता, तो कहती है कि सोना वह क्या चीज़ होती है, क्योंकि उसके लिए तो केवल दाने ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। भोजन उसका जो अनाज के दाने होते हैं वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, उससे बढ़कर उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं लगता। सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव था तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो सेठ अपना परिचय उसे देता है कि तू तो चिड़िया है, इसीलिए तुझे नहीं पता कि सोना क्या चीज़ होती है और सोने का जो मूल्य है या सोना कितना महंगा होता है, कितना मूल्यवान होता है, ये सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो सेठ माधवदास हूँ, जिसके बारे में लोग बात करना भी बहुत बड़ी बात मानते हैं, जिसके बात करने के लिए, मिलने के लिए लोगों की बहुत इच्छा होती है लोगों की, लेकिन हर किसी से मैं नहीं मिलता, तो मेरे से बात करना ही लोगों को ऐसा लगता है उनकी किस्मत खुल गई। तो लेकिन तू अभी ये सब नहीं जानती है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, कितना धनी व्यक्ति हूँ। मेरी बहुत सी कोठियों पर कोठियाँ यानी कि बहुत सारी कोठियाँ हैं, और बगीचों पर बगीचे यानी कि बहुत सारे बगीचे हैं उन कोठियों में। तो इसलिए जितना धनवान मैं हूँ उसके उतना लोग होना चाहते हैं और मुझसे बात करना भी बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन तू ये सब नहीं समझेगी क्योंकि तू चिड़िया है, तुझे इस सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझ में मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? तो सेठ आगे उसकी अपनी जो उनकी धन संपदा है, जो उनका प्रभुत्व है, उसके बारे में बताते हैं कि मैं कितना धनवान व्यक्ति हूँ कि मेरे पास इतने ढेर सारे कोठियाँ हैं, मकान हैं और बहुत से बगीचे हैं, उनमें दास दासियों की भी संख्या नहीं है, यानी बहुत से व्यक्ति मेरे सेवक हैं। और लेकिन मैं तुझे देख कर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे, तो ऐसा वरदान क्योंकि मैं तेरे से प्रसन्न हुआ हूँ, तुझसे प्रसन्न हुआ हूँ, तो मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, और इसके लिए तू मेरे पास ही यहीं पर रह जा। लेकिन तू इस चीज़ को समझ ही नहीं रही है, मेरी बात को तुझे तू समझ ही नहीं रही है, क्योंकि तू बहुत ही नादान चिड़िया है, ना समझ है। ऐसा वरदान
कब किसी को मिलता है, यानी कि इतने जो व्यक्ति चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, वो अगर केवल उसके वहाँ रहने मात्र से उसे मिल रही है, जिसके लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं, तो ये चीज़ चिड़िया नहीं समझ रही है। इसी के लिए सेठ उसे समझाते हैं। तो चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। तो जब इतनी बातें करता है माता पिता उसे मनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत से लालच देता है, लेकिन उसे केवल चिड़िया को यही चिंता है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी, बाट देखती होगी उसकी, उसकी राह देख रही होगी। तो मुझे देर हो रही है, तो मैं कुछ नहीं समझती, मैं बहुत ही नादान हूँ। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तो तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसा सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। आखिर माता उसे रोकने के लिए और भी प्रलोभन देते हैं, उसको बताते हैं कि जो जिस फूल पर तू बैठी है, जिस डाली पर तू बैठी है, जिस पे फूल लगा है, तो उसको तूने देखा है, तो बहुत ही सुंदर पुष्प है वो, और ऐसे बहुत से पुष्प इस बगीचे में हैं, और अनगिनत फूल मेरे जो बगीचे हैं उनमें खिले हुए हैं, और भांति भांति के रंगों की, यानी कि बहुत अलग अलग रंगों की फूल हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है, लेकिन चिड़िया तेरी वजह से मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, यानी तूने मुझे मेरा चित्त या मन को बहुत प्रसन्न किया है, तो ये जो सारे फूल हैं तेरे लिए खिला करेंगे, यानी तू अगर यहाँ रहेगी तो ये सारे फूल तेरे हैं, वहाँ जहाँ तू जाना चाहती है अपनी माँ के पास, वहाँ तो उस घोंसले में कुछ भी नहीं है, ये सारे जो फूल है, ये बाहर जो है यहाँ पर, वो तेरी माँ के घोंसले में नहीं है, तो इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, यानी ये जो खुशी है, ये जो संपदा है, वो तेरी माँ के और माँ के घोंसले के आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, क्योंकि जो जितनी सुंदर तू चिड़िया तू है, और जितनी प्यारी तेरी आवाज़ है, उससे उसके सामने तेरे लिए ये सारी संपदा जो है बहुत ही कम है, और जबकि ये संपदा तेरे जो घोंसला है माँ का, उसमें कुछ भी नहीं है, वहाँ तो ये तुझे यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि तू अपना मूल नहीं जानती है, क्योंकि तू कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर तेरी गर्दन है, और जो रंगीन देह है, यानी कि जो चिड़िया का धड़ है, शरीर है, वो बहुत ही रंग बिरंगा और सुंदर है, इसीलिए तू ये नहीं जानती कि तू कितनी अनमोल है, कि तू अपना मूल्य नहीं देखती है, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, तू बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं उसमें भी सोने के मढ़कर, यानी कि सोने के गहने पहनाकर, सोने में से ढकवा कर तुझे बहुत ही तेरा मूल्य और भी ज़्यादा चमका दूंगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान तुझे बनवा दूंगा, तेने मेरा चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो क्योंकि तुझे देखकर मेरे चित्त को प्रसन्नता हुई है, इसलिए तू यहीं पर रह, कहीं मत जा। फिर आगे चिड़िया कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है, सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो बातें करते करते समय भी बीतता जा रहा है, तो चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं अपने को नहीं जानती हूँ कि मैं कितनी मूल्यवान हूँ या क्या मेरा मूल्य है, मैं तो सिर्फ इतनी जानती हूँ कि माँ जो मेरी माँ है वो मेरी राह देख रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा देर होती जा रही है, इसलिए मुझे अब रात मत करो, यानी कि बातों में मत लगा कर मेरा टाइम ख़राब मत करो, और क्योंकि संध्या ख़त्म हो जाएगी, शाम ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद रात हो जाएगी, और अंधेरे में मैं अपने घर का रास्ता भूल जाऊंगी, इसीलिए मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब आखिर जब सेठ ने देखा कि किसी भी तरह से मान नहीं रही चिड़िया, तो उसे कहता है कि अच्छा जाना ही है तो जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि ये जो बगीचा है वो तुम अपना इसे समझ सकती हो, और तुम बहुत ही सुंदर हो, और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया, उसके दबते ही दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया।
यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो उसको जब बातों में जाकर भी उसने देखा कि ये चिड़िया मानने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, तुम्हें जाना है तो जाओ। और ऐसा कहते कहते उसने एक वही उसके पास में एक बटन लगा था जिसे दबा दिया, जो उसकी आवाज़ कोठी के अंदर हुई, यानी कि एक घंटी जैसा घंटी का बटन था जिसे दबाने से कोठी के अंदर उसका संदेश चला गया। और उसे सुनकर फटाफट से वहाँ से एक जो दास था वो भागता हुआ है कि किसी काम से सेठ ने बुलाया है। जब वो बाहर आया तो सेठ ने उसे चिड़िया को पकड़ने का जतन इशारा किया। और ये जो घंटी बजा बटन दबा कर घंटी बजा कर उसको संदेश भेजना और उसका नौकर का आना इतने क्षण भर में, यानी कि बहुत ही कम समय में हुआ, बहुत कुछ पलों में हुआ, इसलिए चिड़िया को कुछ भी ये समझ में नहीं आया। सेठ उसके साथ ही बातें करते जा रहे थे कि तुम अभी माँ के पास जाओ, क्योंकि तुम कहती हो अंधेरा हो रहा है और तुम रात में अपना घर का रास्ता भूल जाओगी, इसलिए तुम अभी जाओ, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी बाट देखती होगी, रास्ता देख रही होगी, तुम कल पर कल आओगी ना? उसे पूछते हैं कि कल तुम ज़रूर आओगी ना? फिर कल भी आना, परसों आना, और इसी तरह से रोज़ तुम यहाँ पर इस बगीचे में आना। इतना कहते कहते दास ने सेठ को इशारा कर दिया कि वो इस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करे। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी कि उसको और बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा, उसके परिवार के बारे में जानने लगा, पूछने लगा। कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।